तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक इंसेक्ट है क्रॉलिंग अप हमें हेमी स्पीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब इसको ध्यान से समझना कि एक हेमी स्पीयर है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। दिस हेमी स्पीयर हैव रेडियस आर और इसके ऊपर एक इंसेक्ट क्रॉल करेगा। हियर इज ए इंसेक्ट, यहाँ पर एक इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट यहाँ पे चढ़ेगा ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर एक इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट यहाँ पर अगर ऊपर चढ़ेगा, दिस इज द इंसेक्ट, तो कहाँ तक मैक्सिमम हाइट जा सकता है ये हमें निकालना है कैलकुलेशन करके। तो चलो जब ये इंसेक्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो एक ऐसा समय आ जाएगा, चलो मान लो यहाँ पर इस पॉइंट तक चढ़ गया, वो ओ है, ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, इस पॉइंट तक आ गया, पॉइंट ए से चला था बी पॉइंट पे आ गया। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है इंसेक्ट, उसके बाद क्या होती है, स्लीपिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इससे आगे वो नहीं जा सकता। तो अगर ये उससे आगे नहीं जा सकता तो हमें एक काम करना है कि ये निकालना है ये वाली कितना परसेंट हाइट वो राइज किया है। दिस इज द एच की कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज के टर्म में, ठीक है ना। तो ये तो ऊपर से मान लेते हैं, ये अगर पूरा आर था तो ये आ जाएगा, अगर मान लेता हूँ मैं एक्स है, ये वाला एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है, ये वाली लेंथ ट्राइंगल की आ जाएगी, ये इस ट्राइंगल में आ जाओगे तुम तो ये आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और मान लेते हैं ये एंगल कुछ थीटा है, ठीक है। तो अगर तुम ये एंगल थीटा मान लेते हो तो इंसेक्ट पे इस वक्त लगने वाले फोर्स देखो, तो इंसेक्ट पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो तो इधर जाएगा इस वक्त, और यहाँ से मैक्सिमम स्लीपिंग है, इसके बाद नहीं जाता, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग लगने लगेगा, वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर एम जी का अगर मैं कॉम्पोनेंट करता हूँ तो ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि ये थीटा है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा जो कि नॉर्मल को बैलेंस करेगा, तो एम जी कॉस थीटा, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट जिसे जो कि नीचे खींच के लाएगा, दैट इज एम जी साइन थीटा, ठीक ना। आई होप कि रिजोल्यूशन सबको आता होगा। तो ये एम जी कॉस थीटा एम जी, और इसी एम जी साइन थीटा का एक कॉम्पोनेंट ये फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, और इस टाइम मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा, दैट इज लिमिटिंग। तो अभी स्टील एट रेस्ट है, इसके बाद मोशन स्टार्ट होगा ऊपर चाहे नीचे। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर होगी, एम जी साइन थीटा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो नॉर्मल आ रहा है वो बैलेंस करेगा एम जी कॉस थीटा के, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू, तो अगर तुम यहाँ से देखोगे नॉर्मल की फ्रिक्शन की वैल्यू तुम यहाँ से देखोगे तो फ्रिक्शन को लिख सकते हो म्यू एन, और दैट इज एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा, और यहाँ से तुम डिवाइड कर देते हो म्यू एन अपन एन में इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा में डिवाइड कर देते हैं यहाँ से एम जी साइन थीटा से, तो यहाँ से एम जी ने एम जी को और एन ने एन को, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितना आ जाएगी, कॉट थीटा, म्यू की वैल्यू कॉट थीटा, और यहाँ से जो म्यू था वो दिया हुआ था इन, और ये कौन सी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से 1/3 पहले से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वॉल एंड म्यू, म्यू यहाँ से ऑलरेडी दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ पर बच्चों जो म्यू की वैल्यू है देखोगे, यहाँ पे म्यू की वैल्यू डिवाइड करोगे यहाँ से म्यू टेन थीटा, फ्रिक्शन एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से म्यू एम जी म्यू एन साइन थीटा, और यहाँ से एम जी साइन थीटा आएगा ना, यहाँ एम जी साइन थीटा, एक मिनट स्लाइटली मिस्टेक हो गया यहाँ से, तो तुम एक काम करो यहाँ जब डिवाइड करोगे तो म्यू टेन थीटा आएगा ना, तो वैसे भी आना भी चाहिए यार। तो यहाँ से म्यू एन में अपन म्यू एन से डिवाइड करोगे तो एम जी साइन थीटा अपन एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन से डिवाइड कर दिए तो एन ने एन को और एम जी ने एम जी को, तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ से म्यू की जो वैल्यू है यहाँ से 1/3 दिया हुआ, तो कॉट थीटा की वैल्यू, टेन का उल्टा कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, ठीक है ना, ये वाली, तो कॉट थीटा 3 आ गई। तो ये जो ट्राइंगल हम बनाए थे, ये छोटा वाला ट्राइंगल यहाँ पे,
ये वाला ट्रायंगल, ये एक्स था, ये आर है, ये थीटा है, तो ये वाला आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसमें कॉट थीटा लगा दो, कॉट थीटा लगा दोगे तो कॉट टेन थीटा लगाते तो पी वाई बी होता, तो कॉट थीटा बी वाई पी, मतलब एक्स अपन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज ऑल इक्वल टू थ्री। इसके लिए अगर तुम सॉल्व करोगे एक्स के लिए, तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से, तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर यहाँ से कर दो, और यहाँ से आ जाएगा नाइन टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से नाइन एक्स स्क्वायर, दैट इज नाइन यहाँ से आर का स्क्वायर, दैट इज टेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो फाइनली जो मुझे निकल के आ रहा प्यारे बच्चों यहाँ से एक्स की वैल्यू, तो वो आ रही है थ्री आर बाई टेन यहाँ से अंडर रूट, तो 3/r 10 मतलब 0.95 r यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से x इतना आ जाएगा, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी, जो जितना ऊपर इंसेक्ट चढ़ा है, समझ रहे ना, कितना इंसेक्ट ऊपर चढ़ा है, दिस इज़ द हाइट, कितना इंसेक्ट ऊपर चढ़ा है, ये वाली हाइट, दिस इज़ द हाइट, ये हाइट h है, ठीक है, इतना ऊपर इंसेक्ट चढ़ा है, तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, तो उसको मैं निकाल लेता हूँ, h आ जाएगा r माइनस x की वैल्यू, तो r और माइनस एक्स जीरो यहाँ से 0.95 r, मतलब यहाँ से आ जाएगा तुम इसको 0.05 r, और हमें परसेंटेज चाहिए, तो h अपन r में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 0.05 में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5% ऑफ r आ जाएगा। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो अपना, कई बार मेरा नोट ये रिस्टार्ट हो रहा है, तो सी ऑप्शन अपना सही आ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।